हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस का एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम के बारे में। हम लोगों ने आगे लेक्चर में जो 2 और 3 लेक्चर था, 2 और 3 लेक्चर में हम लोगों ने देख चुका था कंटिन्यूअस का अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम, जैसे मॉड का हम लोगों ने प्रॉब्लम सीखा था, ठीक है। उसके बाद फिर कंटिन्यूअस का क्या फिजिकल मीनिंग है वो हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग कंटिन्यूअस का और आगे प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड में यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे आप तो एक कंटिन्यूअस का जितना भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होगा वो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, जितना भी कॉन्सेप्ट होगा कंटिन्यूअस का वो आपके पास होगा, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा बोर्ड का वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप वीडियो देखें, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन का, तो हम लोग एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.1 को ओपन करते हैं, ठीक है। अब बुक एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन नंबर 18, कितना क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, क्या दिया है हमारा फंक्शन, क्या दिया हुआ है, तो फंक्शन दिया हुआ है हमारा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन दे दिया, ठीक है, कि दो फंक्शन दे दिया कि लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ क्या, जब x छोटा और इक्वल टू होगा 0 का, और 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो हम लोग क्या ये साइन से ही पता कर लेंगे कौन सा LHL है कौन सा RHL है, क्योंकि हम लोग ने पहले प्रीवियस भी वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 0 है, ये क्या है, लेस देन है, लेस देन मतलब कम, कम मतलब LHL, क्या LHL, तो ये हमारा क्या दिया है LHL, ये हमारा इक्वल टू है, तो इक्वल टू के लिए कौन सा फंक्शन, ये LHL के लिए कौन सा फंक्शन, ये। अब क्या 0 से क्या हल्का सा बड़ा, तो 0 प्लस कितना h, तो किसका, RHL का, कौन सा 0 से बड़ा, ये, तो इसका सामने वाला फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोगों ने तीन चीज को, तो पहले फंक्शन क्या पुट होगा LHL में RHL में और जहां खड़ा है वो हम लोगों ने पहचान लिया। तो अब बोला है सबसे पहला बात बोला है कि किस इस क्वेश्चन बोला है क्या हम वैल्यू लैम्डा का धरे कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो एट एक्स इज इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस हो एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोला, हम लोग लैम्डा का वैल्यू क्या धरे, लैम्डा का वैल्यू हम लोग क्या धरे जो ये कंटिन्यूअस हो फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो अब बोला कि ये कंटिन्यूअस हो एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो कंटिन्यूअस के लिए हम लोग तीन चीज निकालते हैं, LHL, RHL और जहां पे खड़ा है। तो सबसे पहला बात केस वन की बात करते हैं, क्या चीज, केस वन में हम लोगों ने क्या सीखा है, फॉर LHL के लिए हम लोग क्या करते थे, रिप्रेजेंटेशन लिखते थे, पॉइंट हमारा क्या है 0 है, ऊपर में क्या लगता था माइनस लगता था, ये क्या होगा fx। अब देखिए उसी तरीके से इसको एक्सटेंड करते हैं, तो ये क्या 0 माइनस को क्या लिखते थे 0 माइनस h, अब ये क्या fx इज इक्वल टू क्या लिखे लिमिट एक्सटेंड टू कितना 0 माइनस h। अब fx कितना है LHL का, LHL मतलब कम, कम मतलब लेस देन, लेस देन क्या ये, इसका फंक्शन क्या ये, मीन्स क्या लिख दे लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2x, ठीक है। तो ये लिख दिए, अब क्या करते थे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, इसका वैल्यू सिर्फ इसमें पुट करते थे, ठीक है। तो इसका वैल्यू पुट करें और यहाँ पे एच टेंस टू 0, तो ये लैम्डा और क्या ये एक्स स्क्वायर है, तो अब एक्स की जगह पे वैल्यू पुट होगा कितना 0 माइनस एच, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस एच का होल स्क्वायर, और ये कितना है 2x है, तो यहाँ पर भी x का वैल्यू पुट होगा, तो कितना होगा 2 इंटू कितना माइनस एच, ठीक है। तो इस तरीका से पहले हम लोगों ने क्या किया, LHL का जनरल जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन है वो लिखा, फिर क्या हल्का से एक्सटेंड 0 माइनस को 0 माइनस एच लिखते, फिर क्या चीज हम लोग फंक्शन चूज करेंगे, कैसे चूज करेंगे, ये क्या LHL है, LHL मतलब क्या लेस देन, लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन, तो ये फंक्शन लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एच का क्या वैल्यू लिखेंगे, एच का वैल्यू पुट किए कहां पे, एक्स की जगह पे, ठीक है। अब पुट करने के बाद अब क्या करें,
इसे तोड़ते हैं कि एच टेंस टू जीरो और ये कितना माइनस एच का स्क्वायर मीन्स कितना एच स्क्वायर माइनस कितना प्लस कितना टू एच, ठीक है ये आ गया। अब हम लोग सोचेंगे क्या हम लोग क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, एच का वैल्यू जीरो धर सकते हैं। तो ये कितना आ गया हमारा एच का वैल्यू जीरो, तो ये कितना एच स्क्वायर जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस कितना टू इंटू जीरो तो जीरो, तो लैम्डा इंटू जीरो कितना जीरो, ठीक है मीन्स हम लोग का एल एच एल का वैल्यू कितना आ गया जीरो, ठीक है एल एच एल का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया जीरो। अब हम लोग किसके लिए बात करेंगे, आर एच एल के लिए बात करेंगे। अब हम लोग इतना क्वेश्चन बना चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि अब हम लोग का कॉन्सेप्ट एल एच एल आर एच एल कैसे फंक्शन चूज करते हैं वो हम लोग का क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें केस टू लिखते हैं, केस टू में हम लोग क्या करते थे फोर क्या चीज आर एच एल, आर एच एल के लिए हम लोग क्या क्या करते थे भैया, इसका सबसे पहला जनरल टर्म लिखेंगे एक्स टेंस टू क्या पॉइंट आर एच एल है तो प्लस ये क्या फंक्शन एफ एक्स। अब देखते हैं इसे क्या आगे लिखेंगे एक्स टेंस टू कितना जीरो प्लस को क्या लिखेंगे जीरो प्लस एच और ये क्या एफ एक्स, ठीक है उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो ये क्या एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच, अब क्या आर एच एल है आर एच एल मतलब बड़ा, बड़ा के लिए कौन सा साइन ये साइन, तो इसका फंक्शन क्या ये, तो फंक्शन के एफ एक्स की जगह क्या पुट हो जाएगा फोर एक्स प्लस वन पुट हो जाएगा, ठीक है फोर एक्स प्लस वन पुट हो जाएगा। अब ये कितना आएगा लिमिट कितना एच टेंस टू जीरो, अब ये जो एक्स है उसका वैल्यू एक्स में पुट करेंगे ये स्टेप था, तो इसका जीरो प्लस एच का वैल्यू हम लोगों ने पुट किया प्लस कितना वन, तो ये कितना लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये कितना फोर इंटू जीरो जीरो प्लस कितना फोर एच प्लस कितना वन। अब आगे कुछ कर सकते इसको नहीं कर सकते, तो क्या एच का वैल्यू धरेंगे तो एच का वैल्यू धरेंगे तो जीरो फोर इंटू कितना एच का वैल्यू जीरो प्लस कितना वन, तो ये कितना वैल्यू आ गया वन, ठीक है कितना वैल्यू आ गया वन। अब देखिए हम लोगों का क्या पता चला कि एल एच एल का कितना वैल्यू आया था भैया जीरो, आर एच एल का कितना वैल्यू आया भैया वन। अब क्या बोला था पहले ही हमारा क्वेश्चन में दे दिया था कि ये क्या कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, लेकिन जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि नहीं कंटिन्यूअस ही नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक है हम लोगों ने पता किया कि एल एच एल इज इक्वल टू नॉट आर एच एल, एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है, तो एल एच एल का हम लोग रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे ये चीज इज नॉट इक्वल टू आर एच एल का रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे उस तरीका से एग्जाम में लिखना, तो पता चल गया अरे यार बोला था क्वेश्चन की कंटिन्यूअस है लेकिन हम लोग जब फाइंड किए तो पता चला कंटिन्यूअस तो है ही नहीं, और क्वेश्चन में क्या बोला कि कंटिन्यूअस है और लैम्डा का वैल्यू बताइए, लेकिन हम लोग क्वेश्चन बनाए तो पता चला ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो कंटिन्यूअस है ही नहीं तो लैम्डा का वैल्यू निकलेगा कैसे, नहीं ना निकलेगा, ठीक है तो नहीं निकलेगा, ठीक है तो इस कारण हम इसका आंसर क्या होगा कि कोई भी लैम्डा का वैल्यू नहीं आएगा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या आएगा नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट जीरो, कोई भी वैल्यू नहीं आएगा लैम्डा के कहां का एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ये कंटिन्यूअस है लेकिन पता कि क्या है ये कंटिन्यूअस नहीं है, और क्या लैम्डा नहीं आया सिर्फ क्या जीरो आया, लैम्डा कोई टर्म आता तब ना इक्वल टू करके करते, ठीक है तो क्या है जीरो है, तो जीरो आने के कारण क्या और वन ना है तो नॉट इक्वल टू कंटिन्यूअस नहीं है, तो इस कारण क्या लैम्डा का कोई भी वैल्यू जो है ये यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है अब ये हो गया। अब उसके आगे की क्वेश्चन की बात करता है कि अगर बोला कि वो क्या कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू वन पे, ठीक है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है एक और क्वेश्चन एड है इसके आगे कि क्या वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू कितना वन पे, बोला कि क्या वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू वन पे, ठीक है तो बताइए अब क्या होगा लैम्डा का वैल्यू, तो हम लोग जब जीरो पॉइंट था तो पता किया कि लैम्डा का वैल्यू कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों का वैल्यू एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं है और लैम्डा तो आ ही नहीं रहा है एल एच एल में सिर्फ जीरो आ जा रहा है, तो इस कारण क्या चीज लैम्डा का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। लेकिन वन की बात करें तो सबसे पहला क्या चीज हम कंटिन्यूअस के लिए क्या चीज लिखते हैं थ्री केस, तो केस हमारा क्या वन, फोर क्या चीज एल एच एल, एल एच एल के लिए जनरल टर्म क्या लिखते थे लिमिट एक्स टेंस टू कितना जीरो माइनस नहीं यहाँ पे क्या होगा पॉइंट कितना है वन और यहाँ पे साइन कितना माइनस, ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या एक्स टेंस टू कितना वन माइनस को वन माइनस कितना एच और ये कितना एफ एक्स,
ठीक है आगे बढ़ते तो लिमिट x टेंस टू कितना 1 माइनस h और ये क्या fx, तो क्या हम लोग fx पुट करेंगे, क्या है LHL, LHL मतलब क्या कम मतलब कि कौन सा लेस देन क्या है ये इसका सामने वाला फंक्शन ये, तो हम लोग क्या पुट करें लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे x का वैल्यू ये x की जगह पे धरेंगे और यहाँ पे h टेंस टू जीरो, ठीक है हम लोगों ने बताया था कि h टेंस टू जीरो क्यों लिखते हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो आप लोग देख करके पता कर सकते हैं कि ये इसका क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस मीनिंग क्या है यहाँ पे h टेंस टू जीरो का। तो अब यहाँ पे ये क्या है x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह कितना 1 माइनस h का क्या होल स्क्वायर माइनस कितना 2 इंटू x कितना है 1 माइनस कितना h, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू कितना 0, अब क्या लिखेंगे 1 इसको तोड़ते हैं तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये कितना 1 प्लस कितना h स्क्वायर माइनस कितना 2h, तो ये हमारा टूट गया। अब देखिए इसे तोड़ते हैं 2 इंटू कितना है 1 माइनस h है, तो ये 2 इससे इंटू होगा तो ये कितना माइनस 2 और ये कितना प्लस 2h, तो ये हमारा टूट गया भैया। अब क्या करेंगे यहाँ पे ये टर्म ये गया ठीक है, अब हम लोग का क्या बच गया लिमिट क्या और बाहर में क्या था लैम्डा था ना, तो यहाँ पे लैम्डा बाहर में क्या था लैम्डा, तो लैम्डा पुट किए। अब क्या लिमिट h टेंस टू क्या 0, इसको यहाँ पे अब आगे एक्सटेंड कर रहे हैं h टेंस टू क्या 0, ये कितना लैम्डा और बचा कितना 1 प्लस कितना h स्क्वायर, ये तो गया और क्या माइनस 2, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसे अगर तोड़ते हैं तो ये हमारा क्या आ गया लिमिट h टेंस टू कितना 0, 1 और माइनस 2 कितना हमारा आएगा माइनस 1 प्लस कितना एच स्क्वायर। अब हम लोग कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे एच का वैल्यू पुट करेंगे कितना 0, तो बचा कितना माइनस 1, मतलब कि हम लोग का LHL कितना आ गया भैया माइनस 1 आ गया ठीक है। तो LHL हम लोग का कितना आ गया माइनस 1 और बाहर में क्या था लैम्डा, तो माइनस 1 इंटू क्या लैम्डा, तो ये क्या माइनस लैम्डा, तो LHL क्या आ गया हमारा माइनस लैम्डा, ठीक है समझ में आ रहा है कि LHL हमारा क्या आ गया माइनस लैम्डा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं क्या चीज फोर RHL के लिए बात करते हैं, हम लोगों ने तो LHL निकाल लिया कितना है भैया माइनस लैम्डा आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जब x इज इक्वल टू 1 है तो केस टू फोर RHL किसके लिए RHL के लिए हम लोग बात करते हैं, तो क्या लिखे लिमिट कितना x टेंस टू 1 प्लस ये क्या fx इज इक्वल टू कितना लिमिट x टेंस टू कितना 1 प्लस h और ये कितना fx, और क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू कितना 1 प्लस h, ठीक है RHL के लिए क्या लिखते थे 1 प्लस h लिखते थे ना ठीक है। अब ये क्या fx है, तो ये फंक्शन की जगह पे क्या पुट होगा, तो ये हमारा क्या RHL, RHL मींस क्या ग्रेटर देन मींस क्या कौन सा साइन ये साइन, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन ये फंक्शन, तो fx की जगह पे क्या लिखे 4x प्लस कितना 1, समझ में आ रहा है ठीक है। अब क्या करेंगे इस x का वैल्यू सिर्फ x में पुट करेंगे और क्या लिमिट h टेंस टू 0 पुट करते हैं ठीक है, तो 4 इंटू एक्स की जगह पे कितना 1 प्लस h प्लस कितना 1, तो ये हमारा कितना गया 4 प्लस 4h प्लस कितना 1 ठीक है, 4 प्लस कितना 4h प्लस कितना 1 और ये क्या लिमिट h टेंस टू कितना 0, तो ये कितना गया 4 प्लस 1 5 प्लस कितना 4h, यही ना आया। अब हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं नहीं, क्या कर सकते हैं h का वैल्यू पुट करें, h का वैल्यू कितना 0, तो यहाँ पे क्या 0 पुट किए तो बचा कितना 5, तो इसका आंसर कितना आ गया ठीक है, अब क्या आ गया इसका आंसर 5। अब क्या बोला था भैया कि ये क्या है कंटिन्यूअस है, क्या है कंटिन्यूअस है ठीक है कंटिन्यूअस है, हम लोग को शुरू में ही बोल दिया कि ये क्या है कंटिन्यूअस है। तो अब देखिए दो चीज निकाल लिए, अब हम लोग जहां पे खड़ा है जहां पे क्या खड़ा है 1 देखे तो 1 माइनस एच 1 प्लस एच, इसे क्या लिखते हैं 1 माइनस, इसे क्या लिखते हैं 1 प्लस, और ये अब देख रहे ये केस थर्ड केस, ये हमारा फर्स्ट था और ये हमारा सेकेंड केस था, तो लिमिट कितना x टेंस टू कितना, अब देखिए जो है जहां पर खड़ा है तो खड़ा कहां है पॉइंट 1 पे, तो यहाँ पे x टेंस टू कितना 1 होगा था ठीक है, और ये क्या fx, अब 1 के लिए क्या fx क्या है, तो ये इक्वल टू का चीज सॉल्व कर रहे हैं, तो इक्वल टू का यहाँ तो इक्वल टू का फंक्शन क्या है ये, तो fx कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना 2x।
अब कुछ नहीं, जब जहां पे खड़ा है वहां पे निकालना है, तो जो वैल्यू है वो पुट कर दो, तो x की जगह पे वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो ये हमारा जब तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कितना 2 इंटू कितना 1, तो लैम्डा इंटू कितना 1 माइनस कितना 2, तो ये कितना आ गया माइनस लैम्डा, ठीक है, क्या आ गया माइनस लैम्डा, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये हमारा क्या कंटिन्यूअस है, क्या है हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो एलएचएल हमारा क्या आ गया था माइनस लैम्डा, आरएचएल हमारा क्या आ गया भैया 5 आया था, क्या आया था 5 आया था, और हमारा इक्वल टू भी क्या आ गया 5 आ गया। अब क्या बोला है बताइए लैम्डा का वैल्यू बताइए, ठीक है, तो कंटिन्यूअस होने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग पढ़े थे कि कंटिन्यूअस जब दिया हुआ रहे, ठीक है, जैसे ए और बी का रिलेशन हम लोगों ने पहले इसके पहले वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि ए और बी के बीच में रिलेशन कैसे निकाले थे जब कंटिन्यूअस दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो उसी तरीका से तो कंटिन्यूअस के लिए हम लोग क्या लिखते थे कि फोर कंटिन्यूअस, क्या फोर कंटिन्यूअस के लिए क्या लिखते थे लिमिट एक्स चेंज टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, और क्या चीज लिमिट एक्स टेंस टू कितना 1 और ये कितना एफ एक्स, मीन्स क्या कंटिन्यूअस होने के लिए ये तीनों जो है वो फुलफिल होना चाहिए, तीनों क्या इक्वल होना चाहिए, आरएचएल भी एलएचएल भी और क्या इक्वल टू भी जहां पर खड़ा है, ठीक है। तो अब देखो ये बात हो गई, अब हमारा वैल्यू यहाँ पे पता है, बोला है कंटिन्यूअस है मतलब क्या तीनों क्या इक्वल है, ठीक है। तो अब बात करते एलएचएल, एलएचएल हमारा कितना है माइनस लैम्डा, ये आरएचएल कितना है 5, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू कितना गया माइनस 5 इज इक्वल टू क्या इसका वैल्यू कितना है 5 है, तो इसे हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग को रिलेशन निकालना है, तो जो दो दिया हुआ है जो दोनों अलग है उसे चूज करना है, अगर दोनों सेम में लिख ले तो ये तो चल गया, तो इस कारण जो दोनों अलग है उसको चूज करना है, ठीक है, आरएचएल एलएचएल को चूज करना है अगर रिलेशन निकालते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं लैम्डा कितना आ गया माइनस 5। अच्छा तो क्वेश्चन क्या बोला था, क्या ये बोला था कंटिन्यूअस है बताइए लैम्डा का वैल्यू फाइंड करिए, तो अगर एक्स इज इक्वल टू 0 था वहां पर लैम्डा का वैल्यू क्या आया था नो वैल्यू, कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं था क्योंकि लैम्डा वहां पर था ही नहीं, यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू क्या है पॉसिबल है, हाँ है, तो क्या लिखेंगे कि कोई भी वैल्यू पॉसिबल है लैम्डा का, यहाँ पे क्या कोई भी वैल्यू हम लोग का क्या है पॉसिबल है लैम्डा का, कहां पर किस पॉइंट पे एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो समझ में आया एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या हुआ हमारा कि कोई भी लैम्डा का वैल्यू क्या हमारा पॉसिबल नहीं है, कहां पे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, लेकिन अगर बात हम लोग करें कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे ये क्या है कंटिन्यूअस है, तो लैम्डा का वैल्यू माइनस 5 मतलब कुछ आ रहा है वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे कि कुछ भी वैल्यू एनी वैल्यू कैन बी पॉसिबल ऑफ लैम्डा एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग इस तरीका का क्वेश्चन को डील करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग का यहाँ पे क्यों कंफ्यूजन पैदा करता है कि जब हम लोग कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 प्रूफ करते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग लैम्डा का वैल्यू जो है वो आ गया कि वो लैम्डा का कोई वैल्यू ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इस कारण ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के मायने से, स्कूल एग्जाम के मायने से, सभी तरीका से, ठीक है। अब हम लोग उसके जो नीचे वाले क्वेश्चन है, उसके नीचे वाले जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या चीज ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ये हमारा क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो एक चीज हम लोगों ने पहले प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि ऑल पॉलीनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ऑल मॉड फंक्शन इज कंटिन्यूअस, उसी में ऐड कर लेना है ऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब बात आता है कि नहीं को पता नहीं चल रहा होगा भैया ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या, तो हम डिस्कस करते हैं क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब देखिए ये नंबर लाइन पे ये 1 है, ये क्या है 2 है, अब 1 के बीच में तो बहुत सारे वैल्यू होगा 1.1 1.2 ठीक है, और कितना 1.99999 ठीक है। तो अगर हम लोग इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले 1.2 1.1 तो ग्रेट अगर बोल दिया कि ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो अगर जितना भी यहां पर 1.999 जब तक 2 तक नहीं पहुंच जाएगा ये पूरा का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, कितना होगा वैल्यू 1 होगा। वैसे ही अगर क्या ये 3 है, क्या है
3 है, तो अगर 2 का जब तक 3 तक पहुंच नहीं जाता है तो पूरा का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। मीन्स अगर यहाँ पर 1.999999 भी लिख दे तो इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो उसके अंदर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। उस इसको डिनोट कैसे करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, बस एक पॉइंट ऐड कर लेना। फिर देखिए उसके नीचे इजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे, कितना क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, 23 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दिया हुआ, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए ये एक हमारा टर्म आता है कंटिन्यूअस, तो पता किए कि एलएचएल आरएचएल अर्थ क्या, और जहां पे खड़ा है तीनों इक्वल हो गया तो उसे क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे। अब हमारे यहाँ पे आता है डिसकंटिन्यूअस किसे कहेंगे, तो अगर एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं है या तीनों में से कोई दो इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे उसे, डिसकंटिन्यूअस। क्या कहेंगे हम उसे, डिसकंटिन्यूअस। तो अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रहा है, तो बोला है कि बताइए किस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, वही बोला है। तो और फंक्शन हमारा क्या दे दिया है, फंक्शन हमारा है साइन एक्स बाई क्या, एक्स और क्या, एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा फंक्शन दे दिया और बोला है कि बताइए ऑल द पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूअस, किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे आ जाता है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, अगर हम लोगों ने प्रूव किया कि अच्छा ये फंक्शन क्या आ गया भैया, लास्ट में कंटिन्यूअस आ गया, पूछा क्या था हमको, डिसकंटिन्यूअस आया क्या, कंटिन्यूअस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, किसी भी पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस, ना पूछा क्या था, डिसकंटिन्यूअस। तो कोई भी पॉइंट वैसा नहीं है जहां पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। इस तरीका से हम लोग लिखेंगे, अगर डिसकंटिन्यूअस पूछेगा, अगर कंटिन्यूअस आ जाए तो क्या बोलेंगे, कोई भी पॉइंट नहीं जहां पे वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब हम लोग देखिए यहां पर, अब हम लोग क्या कंटिन्यूअस में साइन फंक्शन की बात करने वाले, किसका, साइन फंक्शन की बात करने वाले। अब साइन की बात करते हैं तो देखिए एक प्रॉपर्टी होता है लिमिट में, उसका साइन में यूज आता है, क्या होता है, इस साइन लिमिट एच टेंस टू 0 है, और ये अगर साइन एच वाई क्या है, एच है, साइन एच वाई क्या है, एच है, तो इसका वैल्यू कितना आता है, 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरह से अगर हम लोगों ने लिखा लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एच बाई एच इज इक्वल टू कितना, 1। तो ये हमारा क्या क्लास 11th में पढ़ने का था, कोई बात नहीं, अगर हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये याद कर लेना है कि जो इसका एंगल हो साइन का वही अगर नीचे हो उधर लिमिट लगा हुआ हो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ये क्या हमारा कॉस है, जो भी कॉस का क्या है एंगल है, क्या है, एच है, वही क्या हो नीचे हो और उधर क्या लिमिट लगाओ तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1, ठीक है। तो इस ये दोनों वैल्यू याद कर लेना है, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे हम लोग साइन फंक्शन का कंटिन्यूअस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या पूछा हमारा कि ये क्या डिसकंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बात किया कि अगर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या ये कंटिन्यूअस अगर आ जाए तो क्या डिसकंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा क्या कि डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन बनाने के बाद पता चला ये कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस तो है ही नहीं, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस तो है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे डिसकंटिन्यूअस ये होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग कंटिन्यूअस को जैसे हम लोग सॉल्व करते थे उसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या केस 1, क्या केस 1, 4 क्या लिखते थे एलएचएल के लिए, फिर क्या उसका रिप्रेजेंटेशन, ये क्या x टेंस टू 0 माइनस fx, आगे लिमिट कितना x टेंस टू 0 माइनस hfx, आगे क्या लिमिट कितना x टेंस टू 0 माइनस h, और fx देखिए क्या है एलएचएल है, क्या हमारा एलएचएल है, तो एलएचएल है मींस कम, कम मींस लेस देन, लेस देन का यहां है, तो इसके लिए कौन सा
ये फंक्शन क्या, ये तो एफ एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बाई क्या एक्स, इसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये हो गया तो हम लोग क्या लिखे लिमिट एक्स टेंस टू कितना जीरो माइनस क्या एच है, ठीक है। अब ये यहां पर कितना साइन एक्स वाई क्या एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए कि अब हम लोग क्या करते थे जो भी एक्स है वो एक्स का वैल्यू को पुट करते थे, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू को क्या हम पुट करेंगे और यहाँ पे क्या है एच टेंस टू जीरो लिखते थे, तो एक्स का वैल्यू पुट करते कितना है जीरो माइनस एच, मतलब कितना माइनस एच। तो साइन कितना लिखे एक्स की जगह पे माइनस एच और एक्स की जगह पे कितना लिखे माइनस एच, ठीक है। तो इसे क्या लिखे लिमिट क्या एच टेंस टू जीरो। अब क्या माइनस को क्या करेंगे बाहर, कैसे हम लोग जानते हैं कि साइन अगर माइनस थीटा होगा ना तो उसे का उसका वैल्यू आता है माइनस साइन थीटा, अगर कॉस माइनस थीटा होगा ना तो उसका वैल्यू आ जाता है कॉस थीटा। मीन्स अगर कॉस के एंगल कोई अंदर माइनस पाई बाई थ्री है तो वो कॉस पाई बाई थ्री बना देता है, ठीक है। अगर साइन के अंदर क्या है माइनस पाई बाई थ्री है तो बाहर अगर आएगा तो माइनस साइन पाई बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो साइन के क्या होता है माइनस अगर अंदर हो एंगल में तो वो माइनस बाहर निकलता है, लेकिन कॉस में अगर माइनस हो एंगल में तो वो माइनस को हटा देता है। वैसे ही अगर हम लोग क्या टैन की बात करें तो टैन माइनस थीटा होता है कितना माइनस टैन थीटा साइन की तरह, ठीक है। तो ये बात की तो अब यहाँ पे हमारा कितना है साइन माइनस एच है, तो साइन के अंदर अगर एंगल क्या हो माइनस हो तो माइनस वो क्या बाहर आता है, तो यहाँ पर ये क्या एंगल है तो माइनस क्या आएगा बाहर आएगा, तो माइनस साइन एच, ठीक है। इसी तरीके से ना हम लोग लिखे माइनस थीटा था तो माइनस बाहर आएगा साइन थीटा, तो इसी तरीके से माइनस एच है तो माइनस बाहर साइन एच बाई कितना एच। अरे तरीके क्या होगा, अभी हम लोगों ने बताया था कि दो चीज को याद करना है जो कि लिमिट क्लास इलेवेंथ में पढ़ना था, हाँ तो वही देखिए यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो आ गया। अब क्या है जो एंगल है वही नीचे है, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस को हम लोग क्या बाहर में माइनस वन लिख देते हैं, तो इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया भैया वन आ गया। क्या बताए थे इसका वैल्यू वन, ठीक है। तो हम लोगों ने जब केस वन फॉर एल एच के लिए बात किया तो कितना वैल्यू आ गया माइनस वन, कितना वैल्यू आ गया माइनस वन, माइनस वन को बाहर निकाले और इस टोटल का वैल्यू कितना वन, तो माइनस वन इंटू वन कितना माइनस वन, तो हम लोग एल एच एल का वैल्यू कितना आ गया माइनस वन। फिर से बात करते हैं ये क्या था एल एच एल मीन्स क्या कम, कम मतलब क्या लेस देन, लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन क्या पुट करेंगे। अब क्या क्या लिखते थे जीरो माइनस मीन जीरो माइनस एच। अब क्या जो ये एक्स है उसको क्या पुट करेंगे कहां पर एक्स की जगह पे, तो साइन एक्स की जगह पे पुट करेंगे वाई एक्स की जगह नीचे में पुट करेंगे। अब साइन माइनस एच आ गया। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में जानते हैं कि अगर साइन के अंदर अगर एंगल माइनस थीटा रहे तो वो क्या होता है माइनस बाहर आ जाता है, मीन्स क्या माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से वहां पे माइनस साइन एच लिखे, नीचे में क्या था माइनस एच था, माइनस माइनस क्या कैंसल आउट किए, बचा क्या हमारा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हम लोग कर दिए कैंसल आउट कर दिए, क्या कर दिए माइनस माइनस कैंसल आउट कर दिए। तो अब ये माइनस है कहा नहीं ना है, अब तो माइनस बचा ही नहीं, तो हमारा सिर्फ ये आ गया माइनस, तो दोनों ऊपर नीचे से चला गया तो सिर्फ ये आ गया, तो इसका वैल्यू कितना वन, मीन्स एल एच एल हमारा कितना वन। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एल एच एल कितना आ गया हमारा वन आ गया, क्योंकि सीधे वैल्यू ये आ गया माइनस बाहर निकल माइनस माइनस कट होगा और इसका वैल्यू कितना होता है वन, हम लोगों ने बात किया। अब हमारे ये एल एच एल की ये बात होगी तो हम लोग अब क्या फॉर आर एच एल की ये बात करेंगे, तो एल एच एल का वैल्यू कितना आ गया वन आ गया, ठीक है। तो फोर केस टू क्या लिखे फोर आर एच एल, किसके लिए आर एच एल के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो आर एच एल के लिए हम लोग बात करते हैं, तो कैसे बात करेंगे, सबसे पहले इसका क्या रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे कि एक्स टेंस टू कितना पॉइंट कितना है जीरो आर एच एल में प्लस ये कितना एफ एक्स, अब समझ में आते चल जाना चाहिए एकदम दिमाग में, जीरो प्लस ये कितना एच और ये कितना एफ एक्स। उसी तरीका से यहाँ पे कितना लिमिट एक्स टेंस टू कितना जीरो प्लस एच और ये कितना एफ एक्स है, और क्या है आर एच एल, आर एच एल मतलब क्या बड़ा, बड़ा मतलब क्या ग्रेटर देन, ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन ये फंक्शन, तो क्या लिखेंगे एक्स प्लस क्या वन। तो ठीक है, अब क्या करेंगे एक्स की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करते थे यहाँ पे एच टेंस टू क्या जीरो, तो एक्स की जगह पे वैल्यू जीरो प्लस एच प्लस कितना वन, तो ये हमारा कितना गया लिमिट एच टेंस टू कितना जीरो, जीरो प्लस एच प्लस वन, ठीक है, यही ना है।
अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, 0 प्लस 1 कितना 1 प्लस क्या आ गया h, अब क्या करें h का वैल्यू पुट करें, h का वैल्यू कितना है 0, तो वैल्यू कितना आ गया 1। अच्छा LHL भी कितना आया था हमारा 1, RHL भी कितना आ गया हमारा 1, ठीक है। अब हम लोग कैसे फाइंड किए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग को ये साइन देखना है। अगर हम लोग LHL में ये लिख देते फंक्शन और RHL में ये फंक्शन लिख देते तो आंसर हमारा वैरी कर सकता था, ठीक है। तो इस कारण हम लोग को साइन पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है और उस तरीके से हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे कि वो LHL है या RHL है। तो हम लोगों ने क्या LHL निकाला कितना 1, RHL कितना निकाला 1। अब हम लोग क्या बात करेंगे जहां पे क्या खड़ा है, जहां पे क्या खड़ा है, ठीक है। तो कहां पे खड़ा है, पॉइंट जीरो पे, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या, कौन सा पॉइंट जीरो, और ये क्या fx। अब देखिए ये क्या इक्वल टू का केस है, केस क्या है हमारा 3 है, केस क्या है 3 है। अब क्या जहां पर हम क्या है खड़ा है, तो x टेंड्स टू ये क्या जीरो, इक्वल टू किस में है इसमें है, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन x प्लस 1। तो fx की जगह पे कितना x प्लस 1, ठीक है। अब देखते हैं क्या करेंगे, x की जगह पे क्या वैल्यू धरेंगे जीरो, तो इसका वैल्यू कितना गया 1। मीन्स देखिए LHL कितना है हमारा 1, RHL हमारा कितना है 1, और इक्वल टू भी कितना है 1। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस कहेंगे, क्या कहेंगे कंटिन्यूअस कहेंगे, क्योंकि तीनों का वैल्यू क्या आ गया जीरो। एग्जाम में हम लोग कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, तीनों क्या इक्वल है, तीनों का वैल्यू कितना आ गया 1, 1 और 1। तो क्या कहेंगे, हेंस देर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, देर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे क्या फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, हेंस देर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस जहां पे फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। क्योंकि क्या पता चले गया, ये क्या हमारा कंटिन्यूअस है, क्या कंटिन्यूअस, क्वेश्चन में क्या पूछा था कौन सा पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, कोई भी पॉइंट क्या पता चला कंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस तो है नहीं, तो नो लिख दिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग साइन का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इसके 24 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीन्स वो आपको कभी ना कभी तो क्लास 12th में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो स्कूल एग्जाम में मिल जाए, चाहे आपका क्लासेस प्री बोर्ड में मिल जाए, चाहे आपका हमारा सीबीएसई में मिल जाए, लेकिन मिलना ही मिलना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या उसका 24, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20